जल्द बनेगा करतारपुर लांगा ओवरब्रिज। ओवरब्रिज बनाउन ले पाकिस्तान होया राजी। हुन बरसात विच वे नहीं रुकेगी यात्रा। हुन श्री करतारपुर साहिब यात्रा बरसातां विच वी जारी रह सकेगी। ते सिख संगतां मीह कणी विच वी श्री करतारपुर साहिब दे दर्शन कर सकणगियां, क्योंकि रावी दरिया ते करतारपुर लांगे वाला ओवरब्रिज बनाउन ले पाकिस्तान राजी हो गया है। दरअसल रावी दरिया भारत ते पाकिस्तान दोवां मुल्कां चो होके लंघदा है ते करतारपुर लांगे नूं लैके रावी ते करीब 400 मीटर लंबा ओवरब्रिज बनना है। हालांकि नवंबर 2019 विच करतारपुर लांगे दे उद्घाटन तो पहला पाकिस्तान ने एक आरजी तौर ते एक सड़क बना दित्ती सी, जिस तो बाद भारत सरकार ने भी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दे अंदरों रस्ता कट के पाकिस्तान वाली सड़क नाल जोड़ दिता सी, तां जो संगतां नूं परेशानी ना होवे। संगतां इसे रस्ते ही श्री करतारपुर साहिब दे दर्शनां लई जांदियां रहियां। बिना शक कोरोना वायरस दे चलदियां 16 मार्च नूं करतारपुर लांगे दे आरजी तौर ते बंद होण तक यही सड़क तो आवाजाई चल रही सी, पर ओवरब्रिज बनाए जाण तो बिना सिर्फ आरजी रोड जरिए करतारपुर यात्रा नूं निर्विघन जारी रखना मुश्किल है। क्यों जरूरी है ओवरब्रिज? रावी दरिया भारत ते पाकिस्तान दोवां मुल्कां चों लंघदा है। बरसात दे दिनां विच रावी च पानी दा पद्धर काफी वध जांदा है ते हड़ वर्गे हालात बन जांदे ने। इस नाल फेसिंग भी 3-4 फुट तक डुब जांदी है। अजिहे विच करतारपुर साहिब यात्रा विच विघन पै सकदा है। लिहाजा बरसाती मौसम विच वी श्री करतारपुर साहिब दी यात्रा नूं निर्विघन जारी रखण लई रावी ते पुल बनाया जाना लाजमी है। फिलहाल भारत वालों अपने हिस्से दा पुल 0 लाइन तक मुकम्मल कर लिया है, जबकि पाकिस्तान वालों 260 मीटर लंबा यह ओवरब्रिज बनना बाकी है, जिस नूं बनाउण लई पाकिस्तान राजी हो गया है। ते इसे मकसद नाल बीते दिन पाकिस्तान इंजीनियर्स दी एक टीम भारत वाले पुल दा सर्वे करन पहुंची। खुशगवार माहौल विच दोवां मुल्कां दे अधिकारियां दी मीटिंग हुई, जिस विच पुल दे नक्शे ते विचार वटांदरा ते पुल दे डाटे दा आदान प्रदान होया। पाकिस्तानी अधिकारियां मुताबिक दोवां पासियां दे डाटा विच फर्क है, जिस नूं दुरुस्त करन तो बाद ओवरब्रिज दा डिजाइन बनेगा। भारत ते पाकिस्तान दे विचाले बने करतारपुर कोरीडोर की गल करिए, कोरीडोर के काम नूं मुकम्मल करने लई दोवां देशां दे अधिकारियां वल्लों पिछले समय दे विच वी मीटिंगां दा सिलसिला चलदा रहा, और चाहे संगतां लई नवंबर दे महीने दा एक कोरीडोर खोल दिता गया सी, और मार्च 16 नूं एक कोरोना वायरस कोरोना महामारी के चलदा ये संगतों लिए चाहे रस्ता बंद है, लेकिन जोड़ा इतने विकास कार्ज जोड़े काम कंस्ट्रक्शन के काम वो लगातार चल रहे हैं। चाहे LPI की गल करिए, लैंडपोर्ट अथॉरिटी वालों भारत वाले पास बने टर्मीनल के काम चल रहे हैं, उत्थे ही पाकिस्तान वालों भी रेंदे कामों कंप्लीट किया जा रहा, उस चलद ही ये मीटिंग सी। और एक पुल जोड़ा एक अहम दोवें देशों जोड़न वाला एक पुल जिहड़ा हजे मुकम्मल नहीं हो पाया सी, वो भारत वाले पासों तो 100 मीटर का जिहड़ा पुल आ वह कंप्लीट कर लिया गया। NHIA के अधिकारियों का कहना कि नैशनल हाईवे अथॉरिटी वालों 0 लाइन तक बिल्कुल फेंसिंग तक जिहड़ा वह पुल जिहड़ा कंप्लीट है, और पाकिस्तान वाले पासों 260 मीटर का पुल बनना हजे बाकी है। उसे नूं लैके ही ये मीटिंग सी। एक घंटा चली मीटिंग दे विचकार 4 अधिकारी पाकिस्तान वाले पासों भारत वाले पासे पहुँचे। एक चंगे माहौल दे विच एक घंटे दे एक मीटिंग दा समां तय सी, एक घंटा मीटिंग चली। आपस दे विच चाह पानी दा भी एक इंतजाम किया गया सी, उहदा आदान प्रदान भी होया, और भारत वाले पासे भी जिहड़े अधिकारी पाकिस्तान तो पहुँचे उहनां वल्लों कुछ ड्रॉइंग्स कुछ जिहड़ा सर्वेखण किया जाना सी वह किया गया, और कुछ जिहड़े पुल संबंधी जिहड़ियां ड्रॉइंग सी वह शेयर कीतियां गईयां एक दूजे नाल, और आने वाले समय दे विच होर भी मीटिंगां दा सिलसिला चल सकदा। और पाकिस्तान वाले पासे जिहड़ा पुल पहला मुकम शुरू ही नहीं किया गया उहनूं हुण शुरुआत करन लई ये मीटिंग जिहड़ी है वह तय की गई सी, और आने वाले समय च संगतां लई वह पुल जिहड़ा वह लांघा जिहड़ा वह रस्ता खुल जाएगा, जिहड़ा कि एक टैंपरेरी रस्ता चल रहा हुण फिलहाल, लेकिन संगतां नूं दिक्कतां ना आन
उस लई इह पुल दा काम मुकम्मल करन लई इक शुरुआत की गई है। कैमरा परसन विक्की दे नाल गुरप्रीत चावला, जगबानी टीवी लई करतारपुर कोरीडोर तों।